दोस्तों के चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों क्या आप सभी के मोबाइल में 1 GB इंटरनेट डेटा बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो जाता है? मोबाइल के अंदर इंटरनेट आप यूज भी नहीं करते हो फिर भी 1 GB इंटरनेट डेटा बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो जाता है और आप इससे परेशान रहते हो ना? तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मोबाइल की 1 GB इंटरनेट डेटा को पूरे 24 घंटा भी आप चलाओगे ना लगातार फिर भी 1 GB इंटरनेट डेटा खत्म होने का नाम तक नहीं लेगा। सुबह से रात तक आप 1 GB इंटरनेट डेटा चलाओगे ना फिर भी खत्म नहीं होगा। आपको करना क्या होगा, बस आपको इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना होगा। इस वीडियो में खुफिया मेथड और खुफिया सेटिंग के बारे में बताऊंगा। ये सभी सेटिंग को यदि आप अपने मोबाइल के अंदर बंद कर देते ना तो यकीन मानना 1 GB इंटरनेट डेटा को पूरे 24 घंटा आप चलाओगे। और ये सभी सेटिंग कंपनी वाले खुद देते जो जानबूझ के ये सेटिंग को ऑन करके रखता है। अगर आपके मोबाइल में 1 GB इंटरनेट डेटा जल्दी खत्म हो जाता ना, वीडियो को पूरा देखना। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं कह लेता हूं वीडियो स्टार्ट में, नाम सितारे और आप देख रहे होगा टोगा YouTube चैनल। तो दोस्तों देख सकते हैं मेरा मोबाइल फोन। अगर आप सबसे पहले जानना चाहते हो, सीखना चाहते कि 1 GB इंटरनेट डेटा को 24 घंटा आप लगातार कैसे आप यूज कर पाओगे, अगर आप सबसे पहले जानना चाहते हो, छोटी सी काम करना है, इस वीडियो को लाइक करके सपोर्ट कीजिएगा, बिल्कुल फ्री होता है लाइक करना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे सेट कर दीजिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करना। कमेंट के अंदर डेटा सेवर, आप अपना नाम, ये वीडियो कहां से देख रहे हो, नाइस वीडियो आप लिख सकते हो। तो बस ये छोटी सी काम करने के बाद दोस्तों लेके चलता हूं मोबाइल के सेटिंग के अंदर। जैसे मोबाइल के सेटिंग के अंदर जाओगे ना तो आपके मोबाइल के अंदर यहां पे आपको सर्च करना होगा, सर्च बार मिलेगा, यहां पे डेटा आपको लिखना होगा, डेटा यूजिंग यहां पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे डेटा यूजिंग आप सेटिंग यहां पे सर्च कर लेते हो ना तो जो पहला जो सेटिंग है ना इस सेटिंग पे क्लिक करना होगा। तो यहां पे डेटा सेटिंग है, यानी कि आप अपने मोबाइल के अंदर इंटरनेट को चालू करते हो ना तो जैसे चालू करने के बाद आपके मोबाइल के अंदर जितनी भी ऐप है वो बैकग्राउंड में आपका इंटरनेट डेटा यूज करेगा, बार-बार ऐड आएगा, बार-बार नोटिफिकेशन आएगा, इससे आपके मोबाइल के इंटरनेट डेटा बहुत जल्दी-जल्दी खत्म हो जाएगा। बैकग्राउंड के अंदर मोबाइल के अंदर इंटरनेट चलाओ या ना चलाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सभी एप्लीकेशन आपके मोबाइल में इंटरनेट बैकग्राउंड में यूज करता है और सबसे ज्यादा इंटरनेट यूज करता है। कोई ऐसे-ऐसे एप्लीकेशन होता है जो 50 MB, 100 MB, 150 MB ऐसे यूज करता जो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि सभी एप्लीकेशन को आप क्या करना होगा, जैसे कि इस पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों नीचे जाओगे ना तो यहां पे क्या लिखा है, बैकग्राउंड डेटा यहां पे दिखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं ये सेटिंग ऑन है, आपको फटाफट आपको इस सेटिंग को बैकग्राउंड को यहां पे बंद कर देना होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पे क्लिक करके आप ये सभी सेटिंग को आपको बंद कर देना होगा। मोबाइल के अंदर जितनी भी ऐप है, यानी कि आपके मोबाइल के अंदर 100-150 ऐप है, सभी एप्लीकेशन थोड़ी चलाते होंगे, अगर आपको चलाना ही है तो उसी टाइम आपका इंटरनेट डेटा लेगा, बाकी आपको डेटा बैकग्राउंड में यूज नहीं करेगा। तो एक एक करके आपको डेटा बैकग्राउंड को यहां पे रिस्ट्रिक्टेड कर देना, यानी कि बंद कर देना। तो ये पहला सेटिंग है जो आपको बंद करना काफी जरूरी है। उसके अलावा दोस्तों मैं आपको दूसरा सेटिंग के बारे में बताऊंगा और ये दूसरा सेटिंग जो ना बिल्कुल खतरनाक सेटिंग है जो आप लोग को नहीं पता चलता है और मोबाइल के इंटरनेट डेटा बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो जाता है। तो दूसरे नंबर का सेटिंग आपके मोबाइल के अंदर कहां पे मिलेगा, यहां पे मिलेगा बैटरी एंड परफॉर्मेंस। जी हां, यहां पे मिलेगा बैटरी एंड परफॉर्मेंस, यहां पे बैटरी के रिलेटेड नहीं है, यहां पे इंटरनेट डेटा बचाने वाला जो बैटरी परफॉर्मेंस सेटिंग के अंदर छुपा हुआ जो आप लोग को नहीं पता होगा। इस सेटिंग पे यदि आप क्लिक करोगे ना, क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पे आपको मिल जाएगा कुछ सेटिंग दिखने को मिल जाएगा। इस सेटिंग पे आप क्लिक करोगे ना, क्लिक करने के बाद यहां पे लिखा टर्न ऑफ मोबाइल डेटा डिवाइसेस लॉक, ठीक है। तो यहां पे आप सिलेक्ट क्लिक करोगे ना तो यहां पे क्या मिलेगा, नेबर, 5 मिनट 10 मिनट 30 मिनट होगा नेबर होगा, तो आपके मोबाइल के अंदर नेबर पर सिलेक्ट होगा। अगर आपके मोबाइल के अंदर नेबर पर सिलेक्ट होगा ना तो मोबाइल के अंदर इंटरनेट डेटा बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो जाता है। कैसे खत्म होगा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आपके मोबाइल के अंदर इंटरनेट डेटा जो बटन है ना इसे आप ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद दोस्तों आपने 5 मिनट यूज किया, 10 मिनट यूज किया, 30 मिनट यूज किया, 1 घंटा आपने यूज किया। यूज करने के बाद दोस्तों मोबाइल के स्क्रीन को कुछ इस तरह से लॉक कर देते हैं। लॉक करने के बाद क्या होता है कि मोबाइल स्क्रीन तो लॉक तो है लेकिन मोबाइल के अंदर जो इंटरनेट डेटा है वो आपने बटन को ऑन किया ना वो ऑन ही रहता है, जिससे मोबाइल के अंदर इंटरनेट डेटा बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो जाता है जो आप लोगों को पता तक नहीं चलता है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि ये जो आप नेबर है ना इस पे क्लिक करके यहां पे 5 मिनट पे आप डालोगे अपने हिसाब से, तो टाइम यहां पे सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मान लो यहां पे 5 मिनट डाल दिया, 5 मिनट डालने के बाद दोस्तों मोबाइल के अंदर इंटरनेट बटन को आपने ऑन कर दिया, ठीक है। ऑन करने के बाद मोबाइल के स्क्रीन को लॉक करोगे ना तो आप इंटरनेट डेटा बटन को आप ऑफ करना भूल गए हो, मोबाइल स्क्रीन लॉक है, तो 5 मिनट के बाद मोबाइल के इंटरनेट डेटा बटन जो है ऑटोमेटिक वो ऑफ हो जाएगा, यानी कि बंद हो जाएगा और मोबाइल के इंटरनेट
इतने डेटा को आप बचा सकते हो, सेव कर सकते हो, जो बिल्कुल खतरनाक सेटिंग है जो आप लोग को नहीं पता होगा। इस सेटिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए जो आप अपने मोबाइल के 1 GB इंटरनेट डेटा को बचा सकते हो और 24 घंटा आप चला सकते हो। तो ये दूसरा सेटिंग था, मैंने आपको बता दिया। अब बात करते तीसरा सेटिंग के बारे में। तीसरा सेटिंग के बारे में जो बिल्कुल खतरनाक सेटिंग है जो आपके मोबाइल के अंदर 1 GB इंटरनेट डेटा बहुत जल्दी जल्दी यूज करता है, जो आप लोग को पता भी नहीं चलता, कानो कान खबर भी नहीं होगा। दोस्तों हर सेटिंग का अलग अलग यूज होता, अलग अलग मतलब होता, जो मैं आपको सारा एक्सप्लेन में करने वाला। तो तीसरा नंबर का सेटिंग कहां पे मिलेगा, ये गूगल प्ले स्टोर के अंदर। दोस्तों आप लोग को पता होगा कि गूगल प्ले स्टोर से ढेरों सारे ऐसे गेम को आप डाउनलोड करते, इंस्टॉल करते, बड़ा सा बड़ा ऐप को आप इंस्टॉल करते, डाउनलोड करते हैं, लेकिन आप लोग को नहीं पता होगा कि आपके मोबाइल के अंदर, डिवाइस के अंदर ढेरों सारे ऐसे ऐप इंस्टॉल होते हैं प्ले स्टोर से, चाहे वो 100 एप्लीकेशन हो, 50 एप्लीकेशन हो, और सभी एप्लीकेशन बैकग्राउंड में ऑटोमेटिक अपडेट होता रहता है, और सभी एप्लीकेशन अपडेट होना स्टार्ट कर दे तो इससे आपके मोबाइल का स्टोरेज फुल तो होगा ही होगा, मोबाइल के इंटरनेट डेटा बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, और कोई मतलब नहीं ये सभी एप्लीकेशन को अपडेट करना। काम तो वही रहेगा लेकिन फालतू का अपडेट आता रहता है जो आपके मोबाइल का इंटरनेट डेटा यूज करता है, मोबाइल का स्टोरेज को फुल करता है। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं कि प्ले स्टोर को ओपन करोगे, प्रोफाइल पे क्लिक करोगे, यहां पे सेटिंग्स में जाओगे, परफॉर्मेंस, यहां पे नेटवर्क परफॉर्मेंस पे क्लिक करोगे, यहां पे आपको मिल जाएगा ऑटो अपडेट्स ऐप, इस पे क्लिक करोगे। मैं हमेशा जो ना डू नॉट ऑटो अपडेट पे यहां पे सिलेक्ट करके रखता हूं, तो आपको भी यहां पे सिलेक्ट करना होगा, आपके मोबाइल के अंदर ओवर एनी नेटवर्क पे सिलेक्ट होगा, लेकिन ऐसा गलती नहीं करना, डू नॉट ऑटो अपडेट पे क्लिक करके ओके पे क्लिक करोगे ना, मोबाइल के अंदर जितनी भी ऐप है ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होगा। इससे मोबाइल के इंटरनेट डेटा को आप बचा सकते हो, अगर आप चाहते हो कि अपडेट होना चाहिए तो मैन्युअली आप जाकर के कर सकते हो, ठीक है। तो ये मुझे काफी खतरनाक सेटिंग लगा जो मोबाइल के इंटरनेट डेटा बहुत जल्दी जल्दी यूज करता है। अब बात करते हैं चार नंबर का बिल्कुल खतरनाक डेंजर सेटिंग के बारे में बताऊंगा, जो सबसे ज्यादा मोबाइल के अंदर इंटरनेट डेटा को यूज करता है, जो आप लोग को कानो कान खबर भी नहीं होता है। कौन सा कैसे यूज करता है, यूट्यूब ऐप। दोस्तों आप लोग को पता होगा कि यूट्यूब ऐप हम सभी के मोबाइल के डिवाइस के अंदर होता है और सबसे ज्यादा यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, लेकिन फर्ज बनता है कि आपके मोबाइल के अंदर इंटरनेट डेटा बचना ही चाहिए, तो आप कैसे बचा सकते हो। YouTube ऐप के अंदर कुछ ऐसे खुफिया सेटिंग है जो आपको जो ना यहां पे बंद करके रखना, यानी कि ऑन करके रखना है। तो ऑन कैसे करना है, तो यहां पे YouTube ऐप को ओपन कर लीजिएगा, प्रोफाइल पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पे आपको सेटिंग्स में जाना पड़ेगा, जाने के बाद दोस्तों यहां पे डेटा सेविंग होगा, इस पे आपको क्लिक करना होगा, ये सभी सेटिंग यहां पे बंद होगा। तो बंद करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको इस सेटिंग को ऑन करना होगा, क्योंकि आप सभी लोग ये सेटिंग को बंद करके आप रखते हैं, लेकिन आपको बंद नहीं करना, आपको ये सेटिंग को ऑन करते ही मोबाइल के अंदर इंटरनेट डेटा 50% डेटा सेव करेगा। लेकिन तीन और सेटिंग आपने जो बताया हूं, वो तीन सेटिंग आप कर लेते ना, तो 100% आपका डेटा बचेगा, यानी कि 1 GB इंटरनेट डेटा को लगातार 24 घंटा भी यूज करोगे ना, सुबह से लेकर रात तक, फिर भी 1 GB इंटरनेट डेटा खत्म होने का नाम तक नहीं लेगा, मोबाइल इंटरनेट डेटा को आप बचा सकते हो। तो मैंने इस वीडियो के अंदर चार सेटिंग बता दी, कुछ सेटिंग को ऑन करना, कुछ सेटिंग को आपको बंद करना, अगर आप ये सभी काम कर लेते हो ना, तो 100% आपके मोबाइल के इंटरनेट डेटा से 8% में गारंटी के साथ कर रहा हूं कि आपके मोबाइल के इंटरनेट डेटा जल्दी जल्दी खत्म नहीं होगा, सॉल्व हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, 1 GB इंटरनेट डेटा को 24 घंटा चला सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल पे ऑल पे सेट करना। दोस्तों फिर मिलेंगे दोस्तों, अपने ख्याल रखिएगा, टेक केयर एंड गुड बाय।